तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स के मालिक हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, जीएमआर ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड या फिर सन टीवी नेटवर्क। दोस्तों ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके एलपी के एग्जाम में पूछे गए हैं और करंट के आपके क्वेश्चंस भी, तो क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे फाउंडर के हो गए, यानी संस्थापक हो गए, सीईओ हो गए और मालिक यानी ओनर्स के क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स के मालिक कौन है, तो वो है दोस्तों जीएमआर ग्रुप। आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स के जो मालिक हैं वो कौन है, वो जीएमआर ग्रुप हैं, जिनके जो हेड हैं वो मल्लिका अर्जुन है। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें दोस्तों, तो जीएमआर ग्रुप आपका आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का हो गया। रिलायंस इंडस्ट्री की आपकी एमआई यानी मुंबई इंडियंस, रिलायंस इंडस्ट्री जिस टीम की मालिक है वो किसके हैं, वो एमआई के हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मुंबई इंडियंस के जो मालिक हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें आप दोस्तों मुकेश अंबानी और उनकी जो पत्नी है नीता अंबानी को प्रॉपर सारे मैचों में देखते होंगे, नीता अंबानी तो हर एक मैच देखने आती हैं, तो वो लोग ओनर हैं किसके, मुंबई इंडियंस के। उसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड किसके हैं दोस्तों, तो वो हैं आरसीबी के, रॉयल चैलेंज बैंगलोर, जो कि विराट कोहली की टीम है, जिसमें कैप्टन आपके विराट कोहली हैं। तो इस दोस्तों जो आरसीबी टीम है उसके जो मालिक हैं, उसके जो ओनर हैं, वो यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड हैं। दोस्तों आप विजय माल्या को भी जानते होंगे आरसीबी का मालिक, लेकिन उनको जब से भगोड़ा साबित कर दिया गया है तब से पूरा जो मालिकाना हक देख रही है वो यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड टीम देख रही है, यानी आरसीबी के जो आपके अगर क्वेश्चन पूछता है कि आरसीबी के मालिक कौन है, उसके ओनर कौन है, तो वो यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड है। उसके अलावा दोस्तों सन टीवी नेटवर्क, सन टीवी नेटवर्क आप एसआरएच के मालिक हैं, ठीक है। जो एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद टीम है उसकी जो ओनर है, उसके जो मालिक हैं वो कौन है, वो सन टीवी नेटवर्क है दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क है, और इसके जो मालिक हैं वो कलानिधि मारन है, ठीक है। कलानिधि मारन जो कि सन टीवी नेटवर्क के हेड हैं, और वो जो टीम है, जो एसआरएस टीम है, उसके जो मालिक हैं वो सन टीवी नेटवर्क हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स के मालिक कौन है, तो वो है आपके जीएमआर ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट दोस्तों कि हाल ही में चौथा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और रिसेंट का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। तो हाल ही में चौथा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो ऑप्शन आपके पास चार हैं, ढाका है, काठमांडू है, नई दिल्ली और कोलंबो। दोस्तों हाल ही में ये एक दो दिन पहले ही स्टार्ट हुआ आपका, जिसमें हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने भी ये ज्वाइन कर लिया, और ये जो बिम्सटेक सम्मेलन हो रहा है ये सात देशों का समूह है, सात देशों का सदस्य है जो ये बिम्सटेक सम्मेलन होता है, और इसमें जो इस बार हो रहा है आपका जो चौथा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन जो शुरू हुआ है, जो हो रहा है, वो हो रहा है आपके नेपाल के काठमांडू में। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, सात देशों का समूह है आपका बिम्सटेक, जिसका फुल फॉर्म आपको बता दो दोस्तों, पूछा तो नहीं जाता है लेकिन आपको फिर भी बता देता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया आपका बिम्सटेक का। और ये जो शिखर सम्मेलन हो रहा है वो आपका काठमांडू नेपाल में हो रहा है, और ये सात देशों का समूह है, जिसमें भारत है आपका, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है, ठीक है। ये सात देश इस आपके बिम्सटेक के सदस्य हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये जो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो इसका मेन एम है, वो क्या है, जो सदस्य देश हैं उनके बीच, जो सदस्य देश हैं ये सातों, उनके बीच तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। सातों देशों के बीच तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, यही काम है बिम्सटेक सम्मेलन का। और ये इस समय, ये सम्मेलन इस बार कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका काठमांडू में हो रहा है, जो कि नेपाल में पड़ता है। दोस्तों ये चारों ऑप्शन है वो किसी न किसी देश की राजधानी है, ढाका आपकी बांग्लादेश की होगी, काठमांडू जहाँ पे हो रहा है वो आपकी नेपाल की, नई दिल्ली भारत की, कोलंबो श्रीलंका की। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी जो बिम्सटेक की जो संस्थापना हुई थी वो 1997 यानी 1997 ईस्वी में थी, 1997 ईस्वी में इसकी संस्थापना हुई थी। टोटल सात देशों का ये समूह है बिम्सटेक आपका, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों कि इस साल मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश किस जगह हुई है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार का जो मानसून है उसमें सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे हुई है, महाबलेश्वर में हुई है, मासिनराम में हुई है, चेरापूंजी में हुई है या फिर दिल्ली में हुई है। तो दोस्तों जब भी बारिश की बात होती है कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हुई है, तो हम बचपन से पढ़ते हैं, हमको तुरंत चेरापूंजी ध्यान आता है, ठीक है। लेकिन इस बार दोस्तों जो इस बार का मानसून हुआ है आया था, उसमें सबसे ज़्यादा बारिश आपकी महाबलेश्वर में हुई है। महाबलेश्वर जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, महाबलेश्वर में इस बार के मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। और चेरापूंजी में दोस्तों जितनी औसतन बारिश होती है उससे आधे से कम बारिश इस बार हुई है, और महाबलेश्वर में आपकी सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन सबको फॉर्म होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस साल मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश किस जगह हुई है, तो वो हुई आपकी महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं,
नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में डिजिटल इनोवेशन के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक किससे नामित किया गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। रिसेंटली मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था कि हाल ही में भारत ने, जो वित्त मंत्रालय है, उसने डिजिटल लेन देन के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे चुना है, तो वो था आपका PNB नेशनल बैंक। ये उस क्वेश्चन का लिए था डिजिटल लेन देन के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक जिसे वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चुना था। ये क्वेश्चन आपका अलग है कि हाल ही में डिजिटल इनोवेशन के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे नामित किया गया है, तो वो नामित किया गया दोस्तों आपका DBS बैंक को। डिजिटल इनोवेशन के लिए जो बैंक आपका नामित किया गया है वो नामित किया गया है आपका DBS बैंक, जो कि श्रीलंका में, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका सिंगापुर है। ध्यान रखिएगा DBS बैंक का जो हेडक्वार्टर है आपका सिंगापुर है, और ये आपका डिजिटल इनोवेशन के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया, और जिसके आपके CEO हैं पीयूष गुप्ता। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि DBS बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपका है सिंगापुर में। ध्यान रखिएगा ये सिंगापुर का बैंक है, और इसके जो CEO हैं वो आपके पीयूष गुप्ता हैं, और डिजिटल इनोवेशन के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक भी चुना गया है। और भारत के लिए दोस्तों डिजिटल लेन देन के लिए, हमने आपको इसको इससे पहले भी क्वेश्चन ये बता रखा है कि वित्त मंत्रालय ने भारत में डिजिटल लेन देन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक पंजाब नेशनल बैंक को चुना है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि एशियन गेम्स 2018 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय हेप्थलीट कौन बनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे भी चार हैं दोस्तों। ये जो हेप्थालन जो गेम होता है, ये बहुत आपका ये जो गेम होता है ये बहुत दोस्तों कठिन गेम होता है, क्योंकि इसमें 7 राउंड होते हैं, 7 स्टेज होते हैं, और जो 7 स्टेज को पार करता है वही आपका क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा आता है। तो दोस्तों इसके 7 स्टेज में, पहले इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं कि एशियन गेम्स 2018 में स्वर्ण जीतने वाली पहली जो भारतीय एथलीट बनी है वो आपकी हैं स्वप्ना बर्मन, ठीक है। स्वप्ना बर्मन इस बार जो एशियन गेम्स जो आपका इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में चल रहा है, उसमें जो एथलीट बनी है आपकी, वो आपकी जो पहली भारतीय हैं वो स्वप्ना बर्मन है। इन्होंने 7 स्टेज पार किया दोस्तों। ये 7 स्टेज आपके कौन कौन से होते हैं, पहला आपका 100 मीटर की फराटा रेस होती है, पहला आपकी क्या होती है 100 मीटर की फराटा रेस होती है, दूसरा आपका हाई जंप होता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है शॉर्ट पुट होता है, उसके बाद आपका 200 मीटर की जो चौथा स्टेज होता है वो 200 मीटर की रेस होती है, पांचवा आपका लॉन्ग जंप होता है, छठवां आपका जेवलिन थ्रो होता है, और सातवां होती है 800 मीटर की रेस, जो सबसे लास्ट स्टेज होता है 800 मीटर की रेस होता है। और ये जिस 7 स्टेज पार करता है तो उसको जाके स्वर्ण जीतने का मौका मिलता है, और वो स्वर्ण जीतता है। तो ये दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि कितना कठिन गेम है। तो इस गेम को मैं जिसने स्वर्ण जीता है एशियन गेम्स में वो है आपकी स्वप्ना बर्मन। तो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में पहली भारतीय हैं जो हेप्टाथलीट बनी है, जो हेप्टाथालन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है आपके एशियन गेम्स, जो आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO हैं दोस्तों। आपको बहुत सारे क्वेश्चन CEO से पूछे जा रहे हैं, इसलिए लगभग मैं सारे ही धीरे धीरे प्रेजेंट कर रहा हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत हो और किसी भी प्रकार का डाउट ना हो आपको। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO कौन है, ऑप्शन आपके पास चार हैं, सत्य नडेला है, सुंदर पिचाई रेणु सत्ती हैं, या फिर कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है आपका सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो CEO हैं वो सत्य नडेला हैं, ठीक है। इनके हाल ही मैंने आपको बुक भी बताई थी दोस्तों, हिट रिफ्रेश जो लिखी है वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO कौन है, सत्य नडेला। सुंदर पिचाई किसके हैं दोस्तों, तो वो हैं आपके गूगल के CEO कौन है, तो वो हैं आपके सुंदर पिचाई। रेणु सत्ती किसके हैं दोस्तों, तो वो हैं आपकी पेटीएम की जो आपके CEO हैं वो रेणु सत्ती हैं। और कल्याण कृष्णमूर्ति किसके हैं, तो हैं आपके फ्लिपकार्ट के। ये चारों नाम याद रखिएगा, सत्य नडेला आपके माइक्रोसॉफ्ट हो गए, सुंदर पिचाई आपके हो गए गूगल के, रेणु सत्ती हो गई आपकी पेटीएम के, कल्याण कृष्णमूर्ति हो गए आपके फ्लिपकार्ट के। ये चारों CEO याद रखिएगा दोस्तों, आपको आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो आपके CEO हैं तो वो कौन है, तो वो हैं आपके सत्य नडेला। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आज के लिए बस इतना दोस्तों, होप जो सारे क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किए हैं वो क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। आप दोस्तों प्रॉपर में रोज एक वीडियो आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड आपको अपलोड करते हैं, तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।